हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है लाइफवेस्ट डिफेंस द्वारा, जहां पर ये बात बताई गई है कि जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसका जो डेमो होने वाला था इंडियन नेवी के लिए वो अगले महीने होगा इंडियन नेवी की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से जो कि गोवा में है। तो पहले जब हमने इसको रिपोर्ट किया था तो बताया था कि ये मार्च में होने वाला है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ था और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि इसका जो टेस्ट है वो मई में होगा। तो इसके लिए दो एयरक्राफ्ट जो हैं वो बोइंग द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें ज़रूरी मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ महीनों पहले रफाल का भी डेमोन्स्ट्रेशन यहां से किया गया था और अपने पूरे कॉम्बैट लोड के साथ उस एयरक्राफ्ट ने यहां पर उड़ान भरी थी। तो वैसा सिमिलर ही डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो यहां पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि अपने पूरे यूजफुल कॉम्बैट लोड के साथ ये एयरक्राफ्ट स्की जंप से टेक ऑफ करेगा। तो लाइफवेस्ट द्वारा ये चीज़ कही जा रही है कि ये अपने ट्रायल में दो हार्पून मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि अमेरिका की एंटी शिप मिसाइल है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। वहीं पर बात करें रफाल की, तो रफाल द्वारा एक एग्जोसेट एंटी शिप मिसाइल जो है वो कैरी करी जा रही थी, तो एक तरीके का एज जो है वो इस एयरक्राफ्ट को रफाल पर मिलेगा अगर उस पेलोड के साथ ये टेक ऑफ करने में सक्षम होता है। तो इस पर हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने स्पॉन्सर का एक मैसेज जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो अन अकेडमी की तरफ से जो प्राइस हाइक है उनको कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बात आपको बता दें, जो प्राइस हाइक होने वाला है वो करीबन 20% का होने वाला है। तो ये अच्छा मौका है कि आप जिस किसी भी प्लान में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो डिफेंस का हो या किसी और फील्ड का, उसको आप ले सकते हैं, जो कि फ़िलहाल के लिए आपको पुराने प्राइसेस में मिलेगा और हमारा रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको यहाँ 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रखिए, हमारा रेफरल कोड जो है वो MATRIX10 है। बाकी अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिवाइज़ करने के लिए अनअकैडमी द्वारा फ्री रिवीजन और PYQ मैराथन क्लासेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं, जो कि 1 अप्रैल से ही चालू हैं और 7 अप्रैल तक चलेंगी। यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक फ्री रिवीजन क्लासेस और PYQ मैराथन क्लासेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के डिफेंस विजय पथ के अंतर्गत योद्धा CDS1 2022 की टेस्ट सीरीज़ जो है वो 1 अप्रैल से चालू है। साथ ही साथ योद्धा NDA1 की भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी 1 अप्रैल से चालू है। तो यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी तैयारी को। तो प्राइस हाइक होने से पहले आप जो भी प्लान्स लेना चाहते हैं उनको आप ले सकते हैं। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा MATRIX10। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे F-18 सुपर हॉर्नेट के जो ट्रायल्स हैं वो गोवा से कंडक्ट किए जाएंगे अगले महीने, जिसके लिए दो एयरक्राफ्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ। साथ ही साथ ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर दो हार्पून मिसाइल को कैरी किया जाएगा, जो कि हमारे साथ पहले से ही सर्विस में है, P-8I के साथ और जैगवार्स के साथ। और ये करीबन 700 किलोग्राम की मिसाइल्स हैं, जिसमें ये 221 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती हैं, जो कि एक मीडियम साइज के शिप को अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो करीबन 220 किलोमीटर बताई जाती है और ये हायर सबसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करती है। वहीं पर बात करें रफाल की, तो ट्रायल्स के दौरान रफाल द्वारा एक एग्जोसेट मिसाइल जो है वो कैरी करी जा रही थी, जिसके मुकाबले यहाँ पर दो मिसाइल जो है वो कैरी करी जाएंगी, जिसकी वजह से एक एडवांटेज जो है वो F-18 सुपर हॉर्नेट को यहाँ पर मिलता है। बाकी एक और बड़े एडवांटेज की बात करें तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो INS विक्रांत के लिफ्ट पर बिना किसी बड़े चेंजेस के फिट हो सकता है, जैसा कि एक इंटरव्यू के दौरान सुरेंद्र आहूजा, जो कि बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया था। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो रफाल है वहाँ पर विंग्स के कुछ पार्ट्स को खोल कर उन्हें लिफ्ट पर फिट किया जाता है, पर हमारे एयरक्राफ्ट में उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी बड़े चेंजेस के हमारा एयरक्राफ्ट NS विक्रांत की लिफ्ट पर फिट हो सकता है। ऑल दो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि ये बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट की तारीफ जो है वो करेंगे, पर ये फॉर्मर टेस्ट पायलट भी है इंडियन नेवी के और इन्होंने MiG-29K को INS विक्रमादित्य पर ऑपरेट भी किया हुआ है और लैंड भी किया हुआ है। तो ये इंडियन नेवी के स्की जंप्स ऑपरेशन को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट को एक एडवांटेज देता है। तो इन ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा रहा है इंडियन नेवी की मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि पहले 57 की थी, बाद में इसको 36 बताया गया।
तो कई जगह ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इससे मिक्रोनी 9K को रिप्लेस किया जाएगा, पर ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो INS विक्रमादित्य है उसकी जो लिफ्ट है वो सी साइड नहीं है और वो मिक 29K के हिसाब से बनाई गई है, तो बिना किसी बड़े चेंजेस के वो इन एयरक्राफ्ट को अलाउ ही नहीं करेगी फिट होने के लिए। तो जब तक मिक 29K के डायमेंशन का कोई एयरक्राफ्ट नहीं आता है तब तक मिक 29K जो है वो INS विक्रमादित्य से ऑपरेट होगा, या फिर विक्रमादित्य में एक बड़ा रिफिट करना पड़ेगा और जो लिफ्ट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं वो INS विक्रांत के लिए ही देखे जा रहे हैं, जिसमें जो एज है वो फिलहाल के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट को मिल रहा है। बाकी डसॉ के गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि हमने पहले बताया, बातें चल रही थी कि एयरफोर्स के साथ ही नेवी MRFA के साथ अपना MRCBF प्रोग्राम जो है वो चलाए, जिसके अंतर्गत अगर रफाल को इंडिया में बनाया जाए तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, जिसमें नेवी के लिए भी बन सके और एयरफोर्स के लिए भी बन सके और दोनों पर लोड भी कम पड़े। लेकिन ये सब बैकग्राउंड की बातें हैं, सामने जो बात है वो ये है कि अगर हम नंबर्स में देखें तो फिलहाल के लिए जो क्लियर एज है वो F-18 सुपर हॉर्नेट को रफाल पर मिल रहा है। लेकिन जब हम F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करते हैं तो बात आती है अंकल सैम की कंडीशंस की, क्योंकि अंकल सैम की जो सैंक्शन की स्टिक है वो इंडिया जैसी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे द्वारा भले ही अमेरिकन प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हों, जहां नेवी द्वारा P-8I जो है वो अच्छे खासे नंबर में यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ इंडियन नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एसेट भी हैं, पर इनकी सैंक्शंस की स्टिक की वजह से इंडिया द्वारा देखा जा रहा है फ्यूचर में इंडिजिनस मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को। तो अमेरिका के साथ जो सिचुएशन है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, अमेरिका द्वारा अभी तक कोई सैंक्शंस जो है वो इंडिया पर नहीं लगाए गए हैं, जबकि कई मामलों में जो इंडिया का स्टैंड है वो अमेरिकन स्टैंड के साथ लाइन में नहीं है। तो ये शो करता है कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, जिसकी वजह से उनके हिसाब से आइडियल कंडीशन ना होने के बावजूद वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, जिसकी वजह से सैंक्शंस जो हैं अभी उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा गोल जो है वो चाइना को कंटेन करना है। और अगर चीज़ें सही चलती हैं, सैंक्शंस की बात सामने नहीं आती है, तो ये F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए एक नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है और उसे उल्टा एज दे सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम ब्लॉक 3 की बात पहले कर चुके हैं, ये रफाल से किसी मामले में भी पीछे नहीं है। हाँ, 19-20 का फर्क है, कॉस्ट में ये रफाल से सस्ता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका रफाल से कम है, साथ ही साथ इसमें जो इंजन लगा हुआ है उसी का वेरिएंट जो है वो हमारे फ्यूचर के TETBF प्लेटफॉर्म में लगेगा, जो कि अगेन मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से अगर जो डिफरेंसेस हैं इंडिया और US में वो आयरन आउट होते हैं तो F-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो एक आइडियल ऑप्शन है इंडियन नेवी के लिए और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये बात भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें, क्योंकि हम F-18 सुपर हॉर्नेट को एक आइडियल ऑप्शन बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रफाल किसी भी मामले में F-18 सुपर हॉर्नेट से कम है, पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से F-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा सूट करता है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।